हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज्ञेय अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अभी जो कुछ ही समय पहले जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें 27,000 जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली है उस पर जो है ज्ञापन सौंपा है आयोग को। और दोस्तों, इसमें 5 मांगे रखी गई। इसमें देखिएगा, अभी जो टीजीटी पीजीटी आज जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका टीजीटी और पीजीटी दोनों क्वालिफाई है। और देखिएगा, जैसे पीजीटी ज्वाइन करते हो तो टीजीटी में जो वैकेंसी है इसमें से भी खाली हो जाएगी। तो इसीलिए जो ये भी मांग रखी गई है कि ये जो अभी खाली पद हो गए इस पर भी जो वैकेंसी है साथ में जोड़ के इसमें निकाली जाए। तो आप इस ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, न कि कोई धरना प्रदर्शन करना। ठीक है, आज 6 मुद्दों को लेके, प्रतियोगी हितों के 6 मुद्दों को लेके डिप्टी सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे 6 मुद्दे हैं उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि पहला मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण है, गंभीर सवाल है, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है बेरोजगारों के दृष्टिकोण से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों के नए विज्ञापन की लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसलिए चयन बोर्ड द्वारा अति शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए जो प्रतियोगी छात्रों के हित में है। ये हमारी मांग है, पहला मुद्दा है। ये मांग सही है ना? क्योंकि विज्ञापन तो आना चाहिए ना। पिछला विज्ञापन क्लियर हो गया 31 अक्टूबर तक, चयन बोर्ड भी खाली, हम भी खाली जी। कोई काम नहीं है। नया विज्ञापन आएगा तो हम भी पढ़ाई करेंगे, चयन बोर्ड भी कुछ लिखा पढ़ी करेगा, है ना? नहीं तो उनके पेन में जंग लग जाएगी। तो इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि विज्ञापन वर्ष 2016 एवं 2011 के जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा परिणाम को अति शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए एवं विज्ञापन वर्ष 2021 के जीव विज्ञान के अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन वर्ष 2016 के जीव विज्ञान में साक्षात्कार में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। ये हमारी मांग है, इसलिए कि बहुत सारे जो 16 के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो 2021 के विज्ञापन में चयनित हो चुके हैं। तो चयनित हो गए तो उनकी वजह से सीट बर्बाद हो जाएगी, 4 गुना बुलाया जाएगा तो जो निचले पायदान का हमारा भाई है जीव विज्ञान में उसको एक नौकरी मिल जाएगी। ये हमारा प्रयास है और ये बिल्कुल जो है मतलब एक तरह से न्यायोचित बातें हैं, इसको चयन बोर्ड को मानना चाहिए। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो विज्ञापन वर्ष 2016 एवं 2021 के प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय आवंटन चयन बोर्ड द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो शासन की मंशा के अनुरूप है। क्योंकि 16 में भी वेटिंग है, 21 में भी वेटिंग है, उनको आप विद्यालय जो है अपने यहाँ से आवंटित करें बुला के काउंसलिंग के द्वारा, ताकि अभ्यर्थी को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। डीआईएस के यहाँ जाएंगे, डीआईएस बोलेगा कि आप चयन बोर्ड जाइए, चयन बोर्ड बोलेगा कि डीआईएस के यहाँ जाइए, तो ये नियुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो चौथा हमारा मामला, विज्ञापन वर्ष 2016 के प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की आवश्यकता, ये पुराना पेंडिंग मामला है, इसको घोषित कर देना चाहिए। पांचवा हमारा जो मुद्दा है वो विज्ञापन वर्ष 2016 में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो पाई, उनको अति शीघ्र अन्यत्र समायोजन किया जाना चाहिए, ये भी गंभीर सवाल है। छठवां मुद्दा है 2013 के प्रधानाचार्य का साक्षात्कार अति शीघ्र आरंभ किया जाना आवश्यक है एवं प्रधानाचार्य के नए विज्ञापन पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमने आखिर में उनसे ये बता दिया है कि प्रतियोगी छात्र हितों के उपरोक्त 6 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है और आपसे आशा है कि चयन बोर्ड के होने वाली मीटिंग में इस पर तत्काल निर्णय कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। और चयन बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है 2-4-5 दिनों के अंदर, मान के चलिए 20-20 तारीख तक मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में ये 6 मुद्दों पर विचार होगा और संभवतः जो है प्रयास उनका है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले 27,000 न हो, हमको अगर 20,000 भी देंगे तो भी हम सहमत हैं, लेकिन नया विज्ञापन आना चाहिए। ठीक है ना, सहमत हैं आप लोग ना? हाँ, इस पर जो है वो निर्णय करें, तत्काल निर्णय करें कि